धर्म की कभी हार नहीं होती और अधर्म की कभी जीत नहीं होती। ऐसा ही कहते हैं ना ये देवता। मैं सदा से जानता था झूठे हो तुम लोग। कल्याण मस्तु। हे माता, अधर्मी अंधकासुर ने हमें पराजित कर हमसे सब कुछ छीन लिया है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए। उस अत्याचारी के अंत का हमें मार्ग बताइए माता, हमारी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र, अंधकासुर के अंत का केवल एक ही मार्ग है और वो है पाप नाशिनी देवी गंगा। माता, देवी गंगा तो आपकी ही दिव्य प्रकृति है, वो स्वयं इतनी पवित्र है, क्यों उनको छूकर पाप भी तर जाए। ऐसी पाप नाशनी गंगा को धरती पर कौन धारण कर सकता है। मेरे परम भक्त पर्वत राज हिमवान और देवी मैनावती। पुत्र हिमवान, पुत्री मैनावती। माता, माता, मैं आप दोनों की सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या वर चाहिए। माता, हमें आपके दर्शन हो गए, हमारी सारी मनोकांक्षाएं पूर्ण हो गई। आप चाहे कुछ ना कहें, किंतु मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में युगों से मुझे कन्या रूप में पाने की कामना है, इसीलिए मैं आप दोनों को वर देती हूँ कि आपको मेरे ही समान पुनीत और दिव्य कन्या की प्राप्ति होगी। एवं अस्तु। कौन कर रहा है माया, कौन हर रहा है मेरी आंखों की ज्योति। आपकी इस तल्लीनता से हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हमें भी तो बताइए, हमारी पुत्री की कुंडली में ऐसा क्या लिखा है। महारानी, ऐसी पवित्र पुण्य और शुभ कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। महाराज, वैशाख शुक्ल की तृतीया को मध्याह्न काल में आपकी पुत्री का जन्म हुआ है और वो भी जल में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी पुत्री के कुंडली में आकर सभी ग्रह नक्षत्र पवित्र हो गए हों। पुरोहित जी, आपके अनुसार हमारी पुत्री का क्या नाम होना चाहिए। गंगा। तरंग तारिणी है, चंचल वल्लरी है, जय गंगे।
देवो, देवी मैनावती ने देव प्रेरणा से ही देवी गंगा का ये दैव्य जन्मोत्सव मनाया है। आने वाले समय में देवी गंगा की ये आरती परंपरा और आस्था का पर्व बन जाएगी और धरती पर मनुष्य सदा इसी प्रकार देवी गंगा की आरती करेंगे और कल्याण के भागी बनेंगे। जय गंगे। देखिए पापनाशिनी गंगा।